पूर्व विदेश मंत्री एवं दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी बीजेपी नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी की राजनीति में एंट्री होती हुई नजर आ रही है। दरअसल अब सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी को दिल्ली भाजपा में एक महत्वपूर्ण पद दिया जा रहा है। इसके साथ ही बांसुरी को सक्रिय राजनीति में प्रवेश करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि बांसुरी स्वराज सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं। बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को दिल्ली भाजपा के कानूनी प्रकोष्ठ एवं सह संयोजक के रूप में नियुक्त किया है। इसके साथ ही बांसुरी स्वराज की सक्रिय राजनीति में एंट्री होती हुई नजर आ रही है। बांसुरी स्वराज सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं और दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी के पूर्णकालिक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद बांसुरी स्वराज को कानूनी प्रकोष्ठ का सह संयोजक नियुक्त किया है। पद संभालने के बाद वीरेंद्र सचदेवा की ओर से राज्य इकाई में ये पहली नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली भाजपा के कानूनी प्रकोष्ठ के सह संयोजक नियुक्त किए जाने के बाद बांसुरी स्वराज ने कहा कि मैं एक योग्य वकील हूँ, मैं पहले भी कानूनी मामलों में पार्टी की मदद करती रही हूँ। नई बात केवल इतनी है कि मुझे औपचारिक रूप से दिल्ली भाजपा के कानूनी विभाग के सह संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। मुझे अब अधिक सक्रिय रूप से पार्टी की सेवा करने का अवसर दिया जा रहा है। मैं दिल्ली भाजपा की लीगल सेल के सह संयोजक के रूप में पार्टी की सेवा करने का मौका दिए जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और वीरेंद्र सचदेवा जी की आभारी हूँ। आपको बता दें कि भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने शुक्रवार को जारी एक पत्र में कहा था कि बांसुरी स्वराज की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। उम्मीद है कि वो भाजपा को मजबूत करेंगी। बीजेपी की दिल्ली इकाई के एक बयान के अनुसार बांसुरी स्वराज ने 2007 में बार काउंसलिंग ऑफ दिल्ली में पंजीकरण करवाया था। उनके पास कानूनी पेशे में 16 साल का अनुभव है। आपको बता दें कि बांसुरी स्वराज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की इकलौती बेटी है। उनके पिता का नाम स्वराज कौशल है, जो क्रिमिनल लॉयर है। बांसुरी ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की थी। बांसुरी क्रिमिनल केस लड़ती हैं, वो दिल्ली हाईकोर्ट में भी प्रैक्टिस करती हैं। बांसुरी स्वराज ने अपने पिता के वकालत के पेशे को ही अपनाया। स्वराज कौशल 1990 से 1993 तक मिजोरम के गवर्नर भी रह चुके हैं। महज 34 साल की उम्र में स्वराज कौशल देश के सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल बन गए थे। तो अब बीजेपी की तेज तर्रार नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज राजनीति में प्रवेश करती हुई नजर आ रही हैं। सुषमा स्वराज बीजेपी में एक महत्वपूर्ण नेता थी। क्या सुषमा स्वराज की बेटी उनके उस कमी को पूरा कर पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मां की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी तमाम ऐसी खबरें जो आपसे रखती हैं सरोकार।